और नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर नोएडा में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया है। सीईओ की पहल पर शनिवार को बारिश के बीच ग्रेटर नोएडा में सफाई अभियान के स्वच्छता विभाग ने शुरू कर दिया है। तेज बारिश के बावजूद सीईओ ऋतु महेश्वरी खुद सेक्टर स्वर्ण नगरी पहुंची और सेक्टर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया है। सीईओ ने सफाई गिरी अभियान के जरिए स्वच्छता में ग्रेटर नोएडा को अलग मुकाम दिलाने से लोगों से सहयोग मांगा है। बता दें कि आरडब्ल्यूयूए के पदाधिकारियों ने घरेलू वेस्ट को घर में ही प्रोसेस कर कंपोस्ट बनाने और घर के प्लांट्स में इसका इस्तेमाल करने की अपील की है। सीईओ ने बताया कि अभियान को प्रभावी बनाने के लिए एससीईओ स्तर पर निगरानी की जाएगी। वहीं उन्होंने सफाईगिरी अभियान को हर रिहायशी सेक्टर, गांवों, संस्थागत सेक्टरों तक ले जाने के लिए कहा है। इस अभियान का रोस्टर भी शीघ्र जारी किया जाएगा। सफाईगिरी अभियान में आज ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा स्वर्ण नगरी से सफाईगिरी अभियान की शुरुआत की गई। ये अभियान हर एक शनिवार को प्राधिकरण की टीम द्वारा चलाया जाएगा और इसमें हम लोग भविष्य में कम से कम दो सेक्टर्स का प्राधिकरण की टीम दौरा करेगी। प्राधिकरण का जन स्वास्थ्य विभाग, उद्यान विभाग, सिविल, इलेक्ट्रिकल सभी अधिकारी और जो वहाँ के सेक्टर के रेजिडेंट्स हैं उनकी सहभागिता से यह अभियान चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि प्राधिकरण की टीम निवासियों के साथ जाके सेक्टर का भ्रमण करे, सफाई के लिए